सबसे पहले गाइज आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो स्मार्टफोन लिया है। और यहाँ पर गाइज यहाँ पर देखिए, ये भी व्हाट्सअप मैंने ओपन किया है और इस मोबाइल में भी मैंने व्हाट्सअप ओपन किया है। लेकिन गाइज यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो व्हाट्सअप है, यहाँ पर गाइज आपको यहाँ पर ये 3 डॉट दिखाई देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे भाई अभी व्हाट्सअप में एक बहुत बड़ा नया अपडेट आया है, जिससे गाइज अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 डॉट गायब हो चुका है। देखिए गाइज यहाँ पर ये ओल्ड व्हाट्सएप है तो 3 डॉट दिखा रहा है, लेकिन मेरे इस मोबाइल में जब मैंने व्हाट्सएप अपडेट किया तो यहाँ पर 3 डॉट हट गया है। और गाइज यहाँ पर आपका प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, यानी व्हाट्सएप में दोस्तों अब अपडेट आ गया है। व्हाट्सएप आए दिन दोस्तों काफी सारा नया नया अपडेट लेके आते रहता है। तो अब दोस्तों आपका जो ये 3 डॉट है यहाँ से हट गया है। अब दोस्तों क्या होगा ना कि यहाँ पर दोस्तों जब आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी ये सभी ऑप्शन मिलते थे और यहाँ से दोस्तों आप सेटिंग पे जाते थे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोफाइल में दोस्तों आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर दोस्तों आपको सभी सेटिंग देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों अगर इसमें दोस्तों आप क्लिक करते थे तो आपको कुछ इस प्रकार से सेटिंग देखने को मिलता था, लेकिन गाइस यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये पूर्ण रूप से पूरा चेंज हो गया है। गाइस गाइस यहाँ पर पहले आपको अकाउंट का ऑप्शन मिलता था वगैरह वगैरह, यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता था देख सकते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन यहाँ से हट गया है। तो काफी सारे दोस्तों लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर ये व्हाट्सएप का एक नया अपडेट आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। जिस दोस्तों ये जो अपडेट है अभी आपके व्हाट्सएप में नहीं आया है, तो आने वाले टाइम में आपके व्हाट्सएप में ये अपडेट जरूर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये जो 3 डॉट है ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर गाइज आपके व्हाट्सएप का प्रोफाइल देखने को मिलेगा। और दोस्तों अब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा। एक दोस्तों आपका प्रोफाइल, जिस पे दोस्तों क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप का प्रोफाइल देख सकते हैं, एंड दूसरा गाइज यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और सेटिंग में दोस्तों हम जाते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता था, लेकिन गाइज अब यहाँ पर आपको प्राइवेसी का कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप की प्राइवेसी सेटिंग को कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर पहले कॉन्टेक्ट आप इस पे क्लिक करते थे तो आपके मोबाइल के जितने भी कॉन्टेक्ट थे आते थे, वो गाइज अब क्या होगा कि आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल के सभी कॉन्टेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये दोस्तों व्हाट्सएप का एक बहुत बड़ा नया इंटरफेस आया है और नया अपडेट आया है। काफी सारे लोग तो ये देखने के बाद सोच रहे कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, व्हाट्सएप में ये नया अपडेट आया है। और दोस्तों ये अभी बीटा वर्जन में आया हुआ है, आने वाले टाइम में सभी के पास ये अपडेट आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो आप सेटिंग पे क्लिक करके ये सभी ऑप्शन देखते थे, वो दोस्तों आपको सेम टू सेम इसमें भी देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा प्राइवेसी का ऑप्शन ऊपर चला जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर अकाउंट देख सकते हैं, चैट देख सकते हैं, नोटिफिकेशन, ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इन द फ्यूचर आपके व्हाट्सएप में ऐसा, मतलब कि यहाँ से 3 डॉट हट जाता है, ऐसा आता है, तो आप घबराइएगा मत, ये व्हाट्सएप का नया अपडेट है। बाकी दोस्तों सारा चीज सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पे 3 डॉट हट जाएगा और ऐसा मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल पर मैं आप सभी को इसी प्रकार के टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो हमेशा देता रहता हूँ, तो टेक्निकल स्विच को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्विच जी चैनल को।